नमस्कार। आज हम एक गंभीर विषय पर वार्ता करेंगे, किसान आंदोलन के चलते और उत्तर प्रदेश में आने वाले इलेक्शन में सरकार की क्या मंशा है और किस तरीके से सरकार किसान की समस्या को हल करने की कोशिश करेगी और हमें किन चीजों से बचना है, इस बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सब जानते हैं कि पिछले 10 महीने से ये किसान आंदोलन पूरे देश में फैल चुका है और दिल्ली में 10 महीने से हमारे किसान जो है वो बॉर्डरों पे बैठे हैं, सिंगू पे, टिकरी पे, गाजीपुर पे, शाहजहांपुर पे, ढांसा में और भी कई बॉर्डरों पर बैठे हैं। और हम लोगों का 26-27 सितंबर को एक ऑल इंडिया कन्वेंशन हुआ था जिसमें सारी ट्रेड यूनियंस और जितनी भी LIC, GIC, दूरसंचार के जितने भी विभाग हैं, बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक की यूनियंस, उन सब ने इस किसान आंदोलन का समर्थन किया था, क्योंकि अगर किसान को उसकी लागत का मूल्य नहीं मिलेगा ना तो वो अपना कर्जा चुका पाएगा, ना वो जीवन यापन कर पाएगा, ना अपने बच्चों को पढ़ा लिखा पाएगा, ना अपने घर का कार्य निर्वहन कर पाएगा। इस मामले को लेकर हम लोगों ने एक भारत बंद का आह्वान किया 27 सितंबर को, जो कि एक बहुत ही चर्चित रहा और बहुत ही पूरे देश में उस भारत बंद का असर देखा गया। कन्याकुमारी से कश्मीर तक, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, पहले कहा जाता था कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, पर इस भारत बंद ने ये बात बता दी कि ये किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन। अगर MSP की कीमत नहीं मिलेगी तो वो कहां से बीज खरीदेगा, खाद खरीदेगा। और जिस तरीके के 3 कानून ये सरकार लेकर आई है उसमें निश्चित है कि किसानों के हितों को रख के उस पर नहीं किया गया है, बल्कि कॉरपोरेटों के हितों को रख के किया गया है। इसमें 2-3 बिंदुओं पे मैं आप लोगों को इतना बताना देना चाहता हूं कि सरकार ने जब ये लॉज बनाए थे, जब एक्ट बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये ट्रेड एंड कॉमर्स कंकरेंट लिस्ट में ट्रेड एंड कॉमर्स का बिल सरकार बना सकती है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये फार्म सेक्टर के बिल्स बनाए गए, जबकि ट्रेड एंड कॉमर्स से किसानी का कोई लेना देना नहीं। किसान जमीन में प्राकृतिक तरीके से अपना फूड ग्रेन उगाता है, खाद देता है, बीज देता है, उसको सींचता है, पानी देता है और अपने फसल की जब वेट करता है, जब फसल उसकी उग जाती है, तो वो फूड ग्रेन को मंडी में ले जाके या प्राइवेट मंडी में ले जाके या APMC मंडी में ले जाकर उसको बेचता है। कुछ वो कंज्यूम कर लेता है, कुछ वो बेच देता है। तो फूड ग्रेन का कोई ट्रेड कॉमर्स बिल हो ही नहीं सकता जिसको प्रावधान करके इन्होंने, केंद्र सरकार ने इस बिल को बनाया, क्योंकि फूड स्टफ अगर आप फूड ग्रेन पे वैल्यू ऐड कर दें, कुछ उसमें आप उसमें उसको प्रोसेस कर दें, जैसे कि आलू है, आलू एक प्राकृतिक उपज है, अगर उसका आप आलू का चिप बना दें तो वो फूड स्टफ हो जाता है, उसका ट्रेड कॉमर्स बिल तो आप बना सकते हैं, पर आलू का नहीं बना सकते, प्याज का नहीं बना सकते, गेहूं का नहीं बना सकते, दलहन का नहीं बना सकते, तिलहन का नहीं बना सकते। तो ये चीजें सरकार को पहले सोचनी चाहिए थी टेक्निकल पॉइंट पे। फूड स्टफ का तो वो ट्रेड एंड कॉमर्स बिल बना सकती है, पर फार्म बिल का नाम देकर उसको झूठा नहीं बना सकती, क्योंकि वो फूड ग्रेन है, फूड स्टफ नहीं। पहला बात तो ये। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि जिस तरीके से इस आंदोलन को लेकर सरकार की जो सरकार का रवैया रहा वो ठीक नहीं रहा। जब किसान बॉर्डरों पे आए, उन्होंने कहा हम यहाँ हिलेंगे नहीं जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, और उसमें MSP पे गारंटी का 100% गारंटी का उन्होंने एक प्रावधान दिया। सरकार ये कहती है कि उससे महंगाई बढ़ जाएगी। जब सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती, उर्वरक खाद के दाम बढ़ाती 50 किलो से 45 किलो कर देती है, बैग को 1200 रुपए से रेट उसका 1940 रुपए कर देती है, तब तो महंगाई के बारे में नहीं सोचती। जब किसानों की उपज खरीदने की बारी आती है तभी वो महंगाई का दोहाई क्यों देती है। ये बात पे हम लोगों को गौर करना चाहिए और जितने भी मध्यम वर्ग के और उच्च मध्यम वर्ग के और न्यूनतम मध्यम वर्ग के लोग हैं जो अपना लालन पालन करते हैं, खाना तो सबको चाहिए, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि MSP देने से किसान की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। मैं आपको ये बता दूं कि किसान की आय 27 रुपए प्रति माह, NSO का सिचुएशन असेसमेंट सर्वे हुआ था, उसमें यह बताया गया कि किसान की आय मात्र 27 रुपए, उसमें से भी 48% आय उसको खेती किसानी से आती है, बाकी की आय उसको श्रम मजदूरी से अर्जित करनी पड़ती।
तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं, कोरोना में आपने देखा किस तरीके से 14 करोड़ बच्चों का मिड डे मील रुक गया 1.5 साल से, कुपोषण से बच्चे भी मर रहे हैं, बेरोजगारी से परिवार खत्म हो रहे हैं, लोग आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का ये सपना तो इस भारत ने नहीं देखा। जिस भारत का सपना हमने देखा था वो भारत सबका भारत था, वो किसानों का भी भारत था, गांव से देश की ओर चलने वाला भारत था। गांव की ओर हम लोगों को फिर से ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। जब तक देश का गांव सशक्त नहीं होगा, देश का आदमी सशक्त नहीं होगा। उत्तर प्रदेश को लेकर कुछ बातें मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं। जो स्थिति उत्तर प्रदेश की आज है, योगी सरकार का इस तरीके का दमन है। आपने देखा गोरखपुर में क्या हुआ, एक आदमी जो वहां किसी रेस्टोरेंट में मैनेज कर रहा था या बैठा हुआ था, वहां थाना प्रभारी और वहां SHO जाके उसकी इतनी पिटाई कर देते हैं कि वो बेचारा मर जाता। तो ये सब क्या है? लखनऊ में आप देखिए सबसे आलीशान बिल्डिंग आपको पुलिस हेडक्वार्टर की नजर आएगी, तो क्या यहाँ तानाशाही और अफसरशाही और पुलिस शाही का ही माहौल बन रहा है? आम आदमी कहाँ जाए, अपनी गुहार कहाँ लगा जाए? 2 साल हो गए कोर्ट में काम नहीं हो रहा, जिनके केस लगे हुए हैं वो केस निर्धारित नहीं हो रहे, जज नहीं बैठते हैं, और जज बैठते हैं तो उन्हें अगली तारीख दे देते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। हम सब परिवार वाले दुखी हैं इस बात से, और हम चाह रहे हैं कि जो भी इस देश में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी तो यही किसान, यही मध्यम वर्ग के लोग आपकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। आपने धर्म के नाम पर बहुत उन्माद फैलाया, आपने फैक्ट्रियां लगाई लोगों को इंजेक्शन लगाया पॉलिटिक्स का कि हिंदू जो हैं वो वहां वोट नहीं देंगे जहां मुसलमान वहां वोट नहीं देंगे जहां हिंदू देंगे, और 80% हिंदुओं का भी नारा लगाया। अब मैं आपको एक बात बता दूं, उत्तर प्रदेश में 52 से 54% OBC, 13 से 14% मुस्लिम। इन जातियों की जनगणना हो जाए जो 2011 से रुकी पड़ी, 2017 में माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि जाति जनगणना होगी, पर अब 2021 के चलते सरकार ये कह रही है कि हमारे पास समय नहीं है और जाति जनगणना करना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि जो हिंदू वोट बैंक है, जो OBC वोट है, वो भी हिंदुओं के वोट बैंक में गिना जाए। जब 80% होंगे तो 40% वोट लेके हम सरकार तो अपनी बना ही लेंगे। ये एक बहुत बड़ी चाल है योगी सरकार की और केंद्र में बैठे मोदी सरकार की। हमें इस धार्मिक उन्माद से, ये हिंदू मुस्लिम के झगड़ों से बचना है। किसान आंदोलन ने हमारे देश में ये दिखा दिया कि जब किसान इकट्ठे हो जाते हैं तो एक वर्ण विशेष की लड़ाई होती है, एक क्लास की लड़ाई होती है। हमारा देश सन 1947 में आजाद हुआ था। आजादी की लड़ाई के बाद हम लोगों ने औद्योगिकरण भी किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी लगाई, प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ाया, और इस देश में जॉब जनरेशन की। आज की डेट में जितने बच्चे ग्रेजुएट होकर निकल रहे हैं, कम से कम 2 करोड़ नौकरियों की आवश्यकता है, और मोदी जी ने कहा भी था कि 2 करोड़ नौकरियां साल दी जाएंगी, पर वो क्या, पिछले 2 सालों में बेरोजगारी की दर 35 से 40% हो गई, मतलब 2 करोड़ नौकरियां तो छोड़िए 4 करोड़ लोगों की नौकरियां चली गई। तो ये जो हमारा देश पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ चला जा रहा है, उसको हम कैसे संभालेंगे ये हमें देखना है। अब आप देखिए जितनी भी नवरत्न कंपनियां हैं, जैसे कि FCI है, CWC है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन या फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें 100 लाख टन अनाज पड़ा हुआ है, पर उसको PDS जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसके जरिए वितरण नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा सरकार का, और उल्टा उसका मुद्रीकरण करके उसको प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है। 26,400 करोड़ रुपए का मुद्रीकरण किया जा रहा है। जितनी भी FCI के गोडाउन है उनको अंबानी और अदानी के हाथों देकर उसमें असीमित भंडारण की योजना बनाई जा रही है। कॉरपोरेट खेती के या अनुबंध खेती के जरिए किसानों की जमीनों को हथियाने की साजिश रची जा रही है। प्राइवेट मंडियों को खड़ा करके APMC मंडियों को खत्म किया जा रहा है ताकि ना MSP दी जाए और न्यूनतम, अब आप MSP का मतलब समझिए, MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम लागत मूल्य या विक्रय का मूल्य। न्यूनतम का मतलब
सबसे कम। तो किसान अपना जीने का हक ही तो मांग रहा है आपसे, कौन सा उसने आसमान और धरती आपसे मांग रहा है? अपनी धरती पे वो फसल उगाता है, उसका न्यूनतम मूल्य वो सरकार से चाहता है कि उसकी बोली जो है न्यूनतम मूल्य पे लगे और सरकार उसकी 100% गारंटी दे कि अगर वो माल बेचने गेट पे जाएगा, मिल गेट पे जाएगा, तो वो बिक जाएगा। मैं आपको एक बात और अवगत कराता हूं, 8,33,000 करोड़ रुपए के एनपीए इस सरकार ने माफ कर दिए 2014 से लेके अभी तक, और 8,66,000 करोड़ के एनपीए उन्होंने बैड बैंक में दे दिए, जिसकी रिकवरी 20% भी होने वाली नहीं, मुझे तो लगता है कि रिकवरी होगी नहीं इसमें। तो 17,10,000 करोड़ के तो इस कॉरपोरेट के लोन्स इस सरकार ने माफ कर दिए, उसका फर्क नहीं पड़ा सरकार को। पर अगर एमएसपी पे 100% गारंटी खरीद की देनी पड़ती है तो उसमें मात्र 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपए सरकार पे लगता है। आज की डेट में 6% पे गारंटी कर रही है खरीद की, 6% खरीद हो रही है एमएसपी पे, आगे जाके 40-50%, 60% अगर 100% की गारंटी भी दे तो उसमें सेल्फ कंजम्पशन भी होती है, इसलिए मार्केट में माल खाली 60% या 50% ही बिकने आता है। अगर मैं 50% भी पकड़ लूं मार्केट की और 100% की गारंटी उसमें सरकार देती है तो वो प्राइवेट प्लेयर भी खरीदेंगे और एपीएमसी मंडी में भी बिकेगा। तो किसान कुछ ज्यादा नहीं मांग रहा, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार अनुदय कर सकती है किसानों के लिए। अमेरिका में $6 बिलियन की सब्सिडी दी जाती है, वहां से मक्का हिंदुस्तान में आता है। आपको जान के हैरानी होगी 3 लाख करोड़ के इंपोर्ट होते हैं इस देश में दलहन का, तिलहन का और कई मक्का का, और यहाँ के किसानों से नहीं खरीदा जाता। उसकी वजह WTO से एग्रीमेंट को लेकर भी मक्का की इंपोर्ट का है अमेरिका का। और जो तिलहन मैं आपको बताता हूँ, जिस तरीके से तेलों के रेट बढ़े, मूंगफली का तेल का दाम 20 रुपए बढ़ गया, सरसों के तेल का दाम 50 रुपए बढ़ गया, और सनफ्लावर ऑयल जो कुकिंग ऑयल जिसको हम कहते हैं उसका दाम जो है वो 30-40% बढ़ गया, तो सरकार ने उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी जो थी वो हटा दी या कम कर दी कि चलिए रेट गिर जाएंगे, पर उसमें स्टॉक होल्डिंग शुरू हो गई। स्टॉक होल्डिंग की वजह से वो रेट दाम कम नहीं हुए, तो सेंटर के कॉरपोरेट अफेयर्स और खाद्य मंत्रालय ने तमाम राज्यों को चिट्ठी लिखकर कहा कि 1978 6 जून का जो आपको प्रावधान है उस पर स्टॉक ट्रेडिंग पे और स्टॉक मॉनिटरिंग करें, और जहां जहां आपको स्टॉक्स होल्डिंग मिल रही है उस पर छापे मार के उसको सीज करें। अगर सुप्रीम कोर्ट ने एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 पर रोक न लगाई होती तो ये संभव ना हो पाता। 4 बार केंद्र की सरकार को इस पे संज्ञान लेना पड़ा है, आवश्यक वस्तु अधिनियम पे 4 बार उनको ये एक्शन लेना पड़ा है, और कॉरपोरेट फंडिंग को लेकर, कॉरपोरेट फार्मिंग को लेकर तमाम त्रुटियां हैं कि आप कोर्ट नहीं जा सकते, अनुबंध खेती में थर्ड पार्टी कौन होगा, एग्रीगेटर कौन होगा, बीज कौन सप्लाई करेगा, खाद कौन देगा और उसकी गुणवत्ता की जांच कौन करेगा, इन सब चीजों को लेकर एक बहुत ही संयोजित तरीके से क्लॉज बाय क्लॉज हमारे किसान नेताओं ने सरकार को समझाया है कि ये जितनी भी पॉलिसीज आप ला रहे हैं, प्राइवेट मंडी का एस्टेब्लिशमेंट, एपीएमसी का खत्म होना, पीडीएस सिस्टम खत्म होगा तो 80 करोड़ लोगों को राशन कैसे मिलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था कोरोना में अक्टूबर तक 80 करोड़ लोगों को राशन 5 रुपए में मुफ्त दिया जाएगा। पहली बात तो मुफ्त कुछ होता नहीं, सरकार के टैक्स, सरकार भी टैक्स पेयर के पैसे से काम करती है तो मुफ्त राशन तो था नहीं वो, और 80 करोड़ लोगों में से मात्र 20 करोड़ लोगों को राशन दिया गया, 48 करोड़ लोगों को राशन पहुंचा ही नहीं, और 48 करोड़ लोगों को राशन नहीं पहुंचा और भूख और कुपोषण से कई बच्चे, महिलाएं और गरीब लोग मर भी गए। तो अगर पीडीएस सिस्टम आप खत्म ही कर देंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली खत्म कर देंगे तो फिर इस देश में बचेगा क्या? राइट टू फूड नहीं होगा, राइट टू स्पीच नहीं होगा, राइट टू लिव नहीं होगा, राइट टू डाई नहीं होगा, तो आदमी करेगा क्या? ना जीने की आजादी, ना मरने की आजादी, ना राइट टू फूड की, मांग पे खाने की आजादी, ना नौकरी की आजादी, राइट टू जॉब भी नहीं है इस देश में। मात्र 100 दिन का काम मिलता है मनरेगा के किसानों को, कितना पैसा मिलता है उनको? उनको मात्र 200 से 225 रुपए दिहाड़ी दी जाती है, जहां 270 रुपए दिहाड़ी है वहां पैसा काट लिया जाता है। तो मनरेगा के किसानों को कम से कम 200 दिन का काम, और किसानों की आय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था 2022 में दुगनी हो जाएगी, 2000 दुगनी तो छोड़िए, 2022 में किसानों की आय आधी से भी कम हो गई, 27 रुपए में। आप भी जानते हैं ना कोई अपना लालन पालन पोषण कर सकता है, ना अपने बच्चों को पाल सकता है।
तो इन सब चीजों को लेके केंद्र की सरकार को और उत्तर प्रदेश में राज्य की सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा। कोई क्लियर कट पॉलिसी एमएसपी पे 100% गारंटी की निकालनी पड़ेगी और ये तीनों कानून उनको वापस ले ही लेने से, क्योंकि उसके बगैर इस देश में कोई क्रांति नहीं आएगी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरीके से इस देश में 1947 में हमने अंग्रेजों से अपनी आजादी पाई थी और आज हम आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, और ये आर्थिक की लड़ाई, आर्थिक आजादी की लड़ाई हमारे किसान भाई बॉर्डरों पे बैठ के पूरे देश में जगह जगह लड़ रहे हैं, एक लड़ाई समानता की लड़ाई, सामाजिक लड़ाई और बाकी, जिसमें हर नागरिक इस देश का समान होगा, ना कोई हिंदू होगा ना मुसलमान होगा, ना कोई दलित भाई होगा ना कोई उसमें ओबीसी होगा, सबको समानता का दर्जा दिया जाएगा, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी रहेगी। यही मेरी कामना है आप सबसे, और मैं अपने सब श्रोताओं से इस बात का आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करके आप लोगों को समझाएं और बताएं कि ये देश किस संकट के दौर से गुजर रहा है और हम लोगों को क्या करना चाहिए इस देश में हमारे बच्चे बेरोजगार ना हो और हमारे बच्चे भूख से कुपोषण से ना मरे। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।